नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धोरिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की तरफ से मुस्लिमों को टिकट नहीं दिए जाने को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है। आपको बता दें, न्यूज 18 को दिए अपने खास इंटरव्यू में अमित शाह ने यूपी चुनाव में हिंदू मुस्लिम मुद्दा, वोटों के ध्रुवीकरण, 80 बनाम 20 जैसे तमाम मुद्दों पर पार्टी का रुख साफ किया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा इस बार 300 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर फिर से सरकार बनाएगी। न्यूज 18 के साथ हुए इंटरव्यू में अमित शाह से पूछा कि योगी जी ने 80-20 का जिक्र किया, क्या हिंदू बनाम मुस्लिम है? इसका जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं नहीं मानता कि हिंदू मुस्लिम का बंटवारा है। पोलराइजेशन जरूर हो रहा है, गरीब किसान भी पोलराइज हो रहा है। भाजपा के शासनकाल में किसानों को किसान कल्याण निधि का पैसा मिल रहा है। इसके अलावा बीजेपी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती है? इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि मुस्लिमों के साथ वही रिश्ता है जो सरकार का होना चाहिए। चुनाव में कौन वोट देता है वो भी तो देखना पड़ता है। मुस्लिमों को टिकट ना देना राजनीतिक मजबूरी है। इस सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि राजनीतिक शिष्टाचार है, सरकार संविधान के आधार पर चलती है, सरकार को देश की जनता चुनती है। राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद से डकैती में 72% की कमी आई है, लूट की घटनाएं 62% कम हुई हैं। उन्होंने कहा कि अपहरण की घटनाओं में 39% की कमी आई है, वहीं रेप 50% कम हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में सत्तारूढ़ भाजपा के द्वारा कानून और व्यवस्था प्रमुख मुद्दों में से एक है। अमित शाह ने कहा कि गरीब कल्याण, विकास और बेहतर प्रशासन के साथ कानून और व्यवस्था सबसे बड़े मुद्दों में से एक है जिस पर लोग भाजपा का समर्थन करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।